हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडू नोट्स। इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 12 इकोनॉमिक्स की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकेंड, जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, उसकी फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर से। अ कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल और अ हाउस होल्ड हु यूजेस गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्ट्स। तो कंज्यूमर क्या है? या तो एक इंडिविजुअल है या फिर हाउस होल्ड है जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता है ताकि वो अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके या पूरा कर सके। कंज्यूमर के बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी की। वी नो दैट अ कंज्यूमर डिराइव सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। दिस पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। थस यूटिलिटी इज अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हमें यह पता है कंज्यूमर जो है अपनी सभी तरीके की सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज उसे क्या देती हैं? उसकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती है। तो कमोडिटी में एक वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। जब हम कोई कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो उससे हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, हमने उसे क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है, या उस कमोडिटी को परचेज कर लिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो उस कमोडिटी से उसे क्या मिला? एक वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर मिली, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी दो तरीके की है, एक टोटल यूटिलिटी और दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गुड। एक तरीके का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो एक कंज्यूमर को मिलता है जब वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कुछ यूनिट कंज्यूम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टी यू इक्वल्स टू सिग्मा एम यू। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी और सिग्मा एम यू का मतलब होता है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंडली बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, वो है चेंज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन करने से यूनिट किसी भी कमोडिटी का टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? एम यू इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। अगर हम ग्राफ को देखें तो ये दिखता है कि सबसे पहले टी यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, देन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आया जो कि एम से डिनोटेड है, और उसके बाद वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। लेकिन एम यू को जब हम देखते हैं तो एम यू ऑलवेज क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। पहले पॉजिटिव, देन ज़ीरो, और उसके बाद वो नेगेटिव। यानी फर्स्ट टू थ्री यूनिट वो क्या था? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा था लेकिन पॉजिटिव था। फोर्थ यूनिट पे वो कहाँ पे पहुँच गया? ज़ीरो पे, और उसके बाद वो कहाँ गया? नेगेटिव में। तो इसका रिलेशनशिप अब हम बात करें तो क्या है? एज लॉन्ग एज एम यू रिमेन पॉजिटिव, जब तक एम यू पॉजिटिव है टी यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब एम यू ज़ीरो होता है तो टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब एम यू नेगेटिव होता है तो वो टी यू क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे या उसका कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो हर लेवल पे क्या होगी? डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो भी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम पहले यूनिट बनाना की खाते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सबसे
ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम उसकी यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हमारा एमयू ग्राफ जो दिख रहा है वो हर लेवल पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हुई। यानी अगर पहले फर्स्ट यूनिट बनाना के लिए तो उसे ए लेवल सेटिस्फेक्शन मिला, फिर वो सेकेंड यूनिट जब लेता है तो उसका सेटिस्फेक्शन ड्रॉप होके ए से कहाँ तक आ गया, बी। फिर थर्ड यूनिट जब वो लेता है तो सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, बी से सी तक आ गया। धीरे धीरे करते करते सेटिस्फेक्शन क्या होता गया, कम होता गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाएगा, अगर उसके बाद भी हम कंज्यूम करते हैं तो वो नेगेटिव में जाएगा। द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट अ एंजॉयमेंट ऑफ गुड्स ड्रॉप ऑफ एज मोर एंड मोर ऑफ इट इज कंज्यूम। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस फैक्ट पे ज़्यादा चलती है कि हमारा जैसे जैसे हम यूनिट्स कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे किसी भी कमोडिटी की, तो उससे मिलने वाला जो इंजॉयमेंट है या सेटिस्फैक्शन है वो हर लेवल पे क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द परचेज ऑफ द कमोडिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना चाहता है अपनी परचेजेस से। यानी उसने जो भी कमोडिटी परचेज करी है उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो क्या करना चाहता है, अटेन करना चाहता है। और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग परचेज को चेंज करे। इन शॉर्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर फ्रॉम द गिवन मनी इनकम। शॉर्ट में कहें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है अपनी गिवन मनी इनकम से। अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। फर्स्टली, द कंज्यूमर इज रैशनल, ही एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी। कंज्यूमर क्या है, एक रैशनल पर्सन है जिसका मेन फोकस यही है कि वो अपनी यूटिलिटी को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज। सेकेंडली, यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी को हम मनी टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्डली, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑलवेज, यानी MUM ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा या स्ट्रेट लाइन में दिखाया जाएगा। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इस पर ऑपरेट करेगा क्योंकि MU जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी गिवन है और वो ऑलवेज क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। अभी हमने बात की थी अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। अब इसी में ही हम दो डिफरेंट सिचुएशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहली है सिंगल कमोडिटी मॉडल और दूसरी है टू कमोडिटी मॉडल या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सिंगल कमोडिटी मॉडल, यानी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी परचेज करना चाहता है। तो वो उसकी कितनी यूनिट परचेज करेगा, वो उसकी उतनी यूनिट परचेज करेगा जहाँ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की इन टर्म्स ऑफ मनी उसकी प्राइस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। द कंज्यूमर शुड परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सो दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बिकेम इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी MUX किसके इक्वल हो जाए, PX के। तो कंज्यूमर कितनी यूनिट परचेज करेगा, सिर्फ उतनी जहां तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल हो जाए प्राइस के। अब कंज्यूमर एक से ज्यादा कमोडिटी अगर परचेज करता है तो उसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। यानी कंज्यूमर को वहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा जहाँ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सभी कमोडिटीज का उसकी प्राइस के इक्वल हो जाए। यानी MUX अपॉन PX इक्वल होगा MUY अपॉन में PY के। लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी अप्रोच का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो कार्डिनल मेजरमेंट उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें फिगर्स में कोई भी डेटा एक्सप्रेस्ड नहीं होता।
सेकेंडली, यूटिलिटी एनालिसिस का एक अजम्पशन है कि यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, जो ये सबसे बड़ा अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि यूटिलिटी ऑफ मनी मैन टू मैन क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है। थर्डली, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंज होती है विद द चेंज इन प्लेस, टाइम एंड पर्सन।